थी ना कुछ काम निपटा के चूल्हे में से राख काट दी और लीप तो बाद में देंगे उसे जब वो ठंडा हो जाएगा, और इधर कपड़े धोने शुरू कर दिए। अब बीच बीच में मुझे भी काम बताती रहे, एक भारी काम दे दिया, छत पर कपड़े रखे। जब हम सोख रहे थे ना गर्मी में, जब से प्रीति बीमार हुई तब से तो हम नीचे ही सोए, लेकिन उसके पहले छत पर सोख रहे थे। तो दो चारपाई हैं, बिस्तरे हैं, कूलर है, ये सब ले जा रखा ऊपर। अब मैं ड्यूटी जाऊँगा तो वहाँ कोई सोनेगा नहीं गर्मियों में, तो वहाँ से बिस्तरे सारे उतार के ले आऊँ। और मैं कह रही कि कपड़े जो धो दिए उनके बाद बिस्तर भी घेर दूँगी, इसमें ओढ़ने की चादर वादर है, बिछाने की चादर है, ये सारी चीज़ें धो जाएंगी। तो वो उतार कर लाने एक तो मुझे, चलो जब मैं छत पर जाऊँगा तो कूलर भी उतार लाऊँगा। और दो चारपाई हैं वहाँ, दोनों वहीं रहेंगे, एक बीच वाले में ला के करूँ बाद में कर दूंगा। एक चारपाई भी उतारनी क्योंकि वहाँ तो एक्स्ट्रा ही है ना, एक्स्ट्रा तो एक ही बताई, कभी कभार ऊपर बैठना पड़ जाता है, एक चारपाई रखेंगे बाकी दूसरे नहीं चले आऊँगा। तो चलो भाई छत पर जाना पड़ेगा, छत पर जाने वाला काम भी प्रीति ने दोपहरी में दिया मुझे, गर्मी वैसे ही हो रही है, एक तो सीढ़ियाँ चढ़ने में वैसे ही थक जा, दूसरा पसीना आ जा। मैंने हिम्मत जुटा कर चलो छत पर जाना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो काम ही नहीं पड़ जा जाने से पहले, कितने भी नहीं पड़ जाए उतने ठीक है। अभी आ गए हैं छत पर, वही एक ये दरवाज़ा था खोल दिया, दूसरे दरवाजा है, बंदरों की वजह से बंद रखने पड़े, नहीं तो बंदर घुस जाएंगे खराब कर देंगे। और एक बार साफ सफाई करी थी यहाँ से, फिर से ऐसा ही गंदा सा हो रहा। ये है कपड़े, ये बिस्तरे, इन्हें नीचे डाल दूंगा एक बार। थोड़े थोड़े करके डाल लूँगा दो तीन बार में, और चारपाई करके आया था नीचे एक, इसके सीध में यहाँ से चारपाई पर डाल लूँगा, देखूँ कैसा निशाना मेरा, खब्बे हाथ का भी गलत निशाना, एक ऊपर गिरा एक नीचे गिरा, थोड़े थोड़े करके डाल लूँगा। धोने तो आई नीचे भले गिर गए, धोएंगे फिर भी, तो अब कोशिश करूँगा कि सही जगह गिरे, निशाना सा साध गए बिल्कुल सही। ये आ गए चारपाई की सीध में और ये गए, अब कभी वही काम हुआ, थोड़ी सी लटकी एक चादर बस, और ये तो डाल दिए बस, ये और हैं एक डबल बेड की चादर, वैसे तो मोटी है सर्दी वाली, लेकिन छत पर बिछा कर रहे थे तो ठंडी हो जाती थोड़ी देर में ही हवा चल गए। और ये गए सारे कपड़े नीचे, नीचे आ गई प्रीति भी, इन्हें उठा कर ले जाओगी, डाल दियो मशीन में, कूलर तार लाऊं साथ के साथ, हाँ पानी गिना दूंगा, कई दिन का पानी भी भरा धरा उसमें। तो कमरे से कूलर को बाहर निकाल के और पानी इसका मैंने यहाँ से गिरा दिया। बाकी क्या है, एक चारपाई तो यहीं रहेगी और एक चारपाई उतार दूंगा साथ के साथ, और ये कूलर भी नीचे ले जाऊँगा, नीचे काम आओगे। तो ये ऊपर से छत पर से एक चारपाई यानी खाट ला कर तो यहाँ डाल दी मैंने, और कूलर हो रहेगा उसे भी ले जाऊँ। तो भाई इतनी गर्मी में इतनी मेहनत कर गए, ये भारी सा कूलर भी ले आया नीचे, और पसीना देखो कितना दे दिया इसने मुझे। आज फिर वही बात सच होगी, पिताजी वाली रसोईया बन जा, रसोईया का हेल्पर ना बने। तो इतना काम प्रीति मेरे तक करवा, ये ला दो वो ला दो, इससे बढ़िया तो मैं खुद ही कर दूँ, कपड़े धो दूँ, ये सब सामान उठा लूँ अपने आप। और पहिया एक ढिल्ला हो रहा उसका कूलर का, तो उसमें एक कपड़ा लगा कर तब फिट कर दूँगा, फिर ये निकलने का नहीं उसमें से। तो कूलर में तीन पहिए रह जा, और एक पहिया निकल निकल कर भागता रहे बार बार, लेकिन कपड़ा लग रहा मुझे मोटा हो गया, थोड़ा सा कपड़ा लगा कर दोबारा से बनाया, अब सही चला गया और निकलने का भी नहीं। पहनने वाले कपड़े आज थोड़े ही थे, ये दो चार जोड़ी कपड़े थे बस, इसीलिए प्रीति को इतना काम मिला कि आज ओढ़ने बिछाने वाले कपड़े धोने शुरू कर दिए इन्होंने। और कूलर जो ऊपर रखा था ना, एक बार तो साफ कर देता है, फिर से गंदा होगा, धूल बहुत आवे, साफ़ कर दूँ इसे कपड़े से चारों तरफ से, इसका इसकी बॉडी पूरी साफ कर दूँगा। और या तो कमरे में रखेंगे या बाहर ही रखेंगे, वैसे तो बाहर यहाँ में पंखा चला गया है, शाम को वही बढ़िया हवा देवे, और ये कूलर अब एक्स्ट्रा रहेगा। कपड़े तो मशीन में डाली दिए, कुछ तो धो गए, और कब बर्तन बच रहे थे, चूल्हा रह रहा, बर्तन रह रहा, ये इतनी चीज़ें रह रही, तो बर्तन धो जा, बाकी काम निपट ही जाएगा, ज़्यादा नहीं काम रह रहा। और धूप वैसे है नहीं, गर्मी बहुत है, तो मुझे लग रहा गर्मी में भी सूख ही जाएंगे, ऐसे ड्रायर से सूख जा, थोड़ी सी हवा लग निकल जाओ इनमें। काम और कर दो जब क्या पोछा ला दो स्टैंड वाला, कहाँ है वो घेर में, मुँह वाला पोछा घेर में से ला के देना पड़ेगा, हो गया नहीं वही काम फिर से, हेल्पर का काम ज़्यादा भारी है वैसे। फ्रेंड्स जब तक मैं घेर में था, ये मस्त वाला पोछा लेके आया हम, ऊपर वाला इससे पोछा लगेगा बढ़िया, तब तक प्रीति ने बर्तन तो धो दिए और कपड़े का, एक तरफ कपड़ों का ध्यान रखना पड़ा है, बाकी दूसरी तरफ दूसरे काम निपट रहे, ये लो थर हथियार। तो चादर भी धोगी भाई, जो बिस्तर वाले धोनी थी, यहाँ को सफाई कर दें थोड़ी सी, और इन्हें चादर से भी चलो फैला दूँ मैं, एक तो फैला दिया और दो तीन ही रखी, इन्हें भी फैला दूँ, धोगी साफ होगी निकल गई अब तो बढ़िया, दो तीन तो फैला दी, इसे कहाँ फैलाओगा, रस्सी तो भर गई नीचे, कवर नीचे रखते हो, और मुझे लग रहा बारिश भी आओगी, भीग ना जाइए, मौसम जो है बारिश का हो रहा, हाँ थोड़ी सी हवा निकल जाइए, थोड़ी सी हवा में ही सूख जाएंगे, इधर कपड़े फैलाए और उधर बारिश आ गई, देखो
थोड़ी थोड़ी सी बूंदें आनी शुरू होगी। और प्रीति तो इधर झाड़ू पोछा करेगी, तब तक मैं थोड़ा सा काम निपटा दूँ। क्या कर दूँ, एक तो गुस्से पड़े हमारे ये, गुस्से उठा दूँ नहीं तो ईंधन भीग जाएगा यो। और देखो बारिश अगर ज़्यादा आती है तो ये कपड़े भी उतारने पड़ेंगे तुरंत। क्या तो ही काम बहुत फैल गए, बर्तन उठाओ यहाँ से, गुस्से उठाओ, कपड़े उतारो और चारपाई उधर करो। तो इतने सारे काम, तो दो चार काम और फालतू दे दिए इसने बारिश ने। प्रीति ने आज पहली बार मोप वाला पोछा यूज करा, नहीं तो हाथ वाले पोछे से बैठ के ही पोछा लगा। बढ़िया लग रहा है इस तभी, धीरे धीरे पोछा भी कंप्लीट हो गया। बहुत ही स्पीड तो हुआ इससे तो। हाँ, उधर अलार्म बज गया, पानी की टंकी भर गई है। तो पिताजी ने पानी भी भर दिया क्योंकि बारिश आ गई थी भाई, और बारिश में पता नहीं लाइट चली गई तो फिर पता नहीं कितनी देर में आवेगी। सामान सारा संगवा दिया बाहर से, बारिश को देखते हो कपड़े भी अंदर रख दिए, अब तो बाद में फैलाए जाएंगे कहीं, देखेंगे ऊपर के बरामदे में रस्सी बांध लेंगे, वहाँ घेर देंगे, कल तक सूखते रहेंगे। बारिश बारिश का कुछ भरोसा नहीं, दो चार बूंद पड़ गई रुक जा, और वैसे बादल तो चोखा है, बढ़िया बरस जा, दिल्ली की हाल कर दें, यहाँ भी हाल तो बढ़िया ही है, मज़ा आ जाएगा। थोड़ी सी स्पीड बनी तो बारिश की, बस पिताजी भिगो ना, इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ, क्योंकि बारिश तेज आ गई। अब बढ़ा दी राम जी ने स्पीड, दूसरा तीसरा गियर लगा दिया बारिश वाली गड्डी में। और प्रीति ने इधर आज काम बहुत आसान करे, जितना आसान आज पोछा है ना हाथ से लगा दिया हम ऊपर से, उतना ही आसान आज काम खाना बनाने का भी कर दिया प्रीति ने। खिचड़ी पता नहीं छौंके बनाई या दाल वाली बनाई, लेकिन कुकर में रख दी थी, उधर दूसरा काम निपटा रही झाड़ू पोछा वाला, इधर खाना तैयार होगा। छौंके बनाई या दाल वाली, मूंग की दाल की खिचड़ी, पेट के लिए भी बढ़िया रहेगी, और दही है, मक्खन है, मटर है, चाय जहाँ से खा लो। अभी तो थोड़ी सी हुई, होने तो दो, क्या पता थोड़ी सी हो गई, रुक जा कहीं और जाती ही बरसे, बादल बहुत गहरा है, हवा नहीं है, और दिन तो हवा बारिश होनी चाहिए बढ़िया, वैसे तो उम्मीद तो यही है। नहीं भाई, मूंग की दाल की खिचड़ी और मक्खन को मैंने इसमें बढ़िया तरह से मिक्स कर दिया, अभी है साथ में दही, तो चलो लंच कर लेते हैं पहले भाई। इतने में खाना खा के बाहर निकला तो मैंने देखा बारिश भी बहुत तेज आ गई, अब तो प्रीति छाता लेके चल दी, पता नहीं काम निपटे या नहीं, इधर उधर घूमो जा। और मारी कितनी बढ़िया बारिश को देख रही, आनंद ले रही बारिश को देख कर। तो फ्रेंड्स, शाम के ना 6 बज चुके हैं और मैं आ गई थी अपने घर में, किचन गार्डन में, क्योंकि घर पे थोड़ी सी बोर हो रही थी, अकेली हूँ ना, माँ जी और मैं ही थे, बच्चे तो सब गए हुए हैं, और आरुषि के पापा भी बुढ़ाना चले गए कुछ काम से। तो मैंने सोचा मगर चलो मैं अकेली तो बैठी है, बैठी बैठी क्या करूँ, अभी खाना बनाने में टाइम है क्योंकि काफ़ी दिन है, और आज दिन में ना बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो आज इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं अपने किचन गार्डन में। ये देखो कितना गिल्ला हो रखा, और रौनक सी आ जाएगी अब जा इस बारिश से काफ़ी अच्छी। और जो ये होते हैं ना, ये बोल रहा है कि नम्बड़ हो फूल, यानी जो फल नहीं आता सिर्फ खिले रहे, तो वे झड़ेंगे देखो बारिश में। और बाकी अब जा रोग नहीं आने का सब्जियों में, अच्छी खासी होगी क्योंकि एक बारिश की ज़रूरत तो थी सब्जियों को। और यहाँ आ गया ना बहुत सुकून मिला है, और ठंडी ठंडी हवा लग रही, घर तो फिर भी क्या नाम गर्मी लग रही थी। और इधर मैंने देखा कि कुछ टमाटर पक रहे, क्योंकि मैं भी 3-4 दिन में आई आज, और ये देखो दो तो मैंने तोड़ लिए और एक दो और पक रहे अभी, इन्हें भी तोड़ लूँ। इन्हें ना हमने फ्रिज में स्टोर कर रखा क्योंकि ये ख़राब नहीं होते टमाटर, और अब तो बारिश आ गई ना इनमें पानी आ गया, तो अब तो इसमें और भी ज़्यादा होगा। ये देखो कितने अच्छे पक गए देखो, और अभी इन पर अब देखो हरियाली सी आवेगी इनमें, क्योंकि पानी की पूर्ति होगी, बारिश का पानी बारिश का ही होता है, रोज़ चाहे कितना पानी दे दो लेकिन बारिश का पानी खाद की तरह लगता है पेड़ पौधों में। और ये देखिए 3-4 दिन हो गए मुझे आए हुए, और कितने सारे टमाटर पक रहे। अब सबसे पहले इन्हें तोड़ लूँ और घर लेके जाऊंगी। प्याज और टमाटर की चटनी और हरी मिर्च की कितनी टेस्टी लग रही है आजकल सबको घर में, कि सब्जी भी कुछ नहीं लगती उसके सामने। और इधर ना ये छतरी बना रखी बेलों ने, तो उसकी वजह से पानी नीचे बैंगनों में नहीं आ पाया ज़्यादा, थोड़ा बहुत ही आया मुझे लगे, क्योंकि इधर इतना गिल्ला नहीं है, लेकिन इनमें ना बैंगनों में खुश्की नहीं आती ज़्यादा, क्योंकि धूप नहीं लगती ना दिन में, चाहे कितनी भी तेज धूप हो जाओ इन बेल की वजह से ना धूप नहीं आती इनमें। तो चलो पहले टमाटर तोड़ लो ये सारे पके पके। ये देखिए टमाटरों का गुच्छा एक जगह लगा हुआ था तीनों टमाटर, और तीनों के तीनों ख़राब हो गए, ऐसे हो रहे बिल्कुल चिम्मड़ से हो गए, पता नहीं पानी की कमी रही क्या रहा। अरे देखो अजीब से हो रहे, इन्हें तो पशुओं को ही डालने पड़ेंगे, वैसे तो गल तो रहे नहीं है लेकिन अजीब से चिम्मड़ से हो गए, टेस्ट बनाने लायक नहीं है, तो इन्हें लगी रख लूँ, इन्हें अपनी भैंस को डाल देंगे। तो जी ये देखिए मैंने ना तोड़ ली सारे लाल पके हुए टमाटर, और जो ख़राब थे वे अलग कर दिए, और अभी 2-2.5 किलो रखे हुए हैं घर पे, और इतने ही अभी इस पर भी उतर जाएंगे, आने भी लग रहे छोटे छोटे से, और बड़े बड़े भी है देखो बहुत सारे, तो ये भी पक जाएंगे जब तक हमारे ये ख़त्म हो गए। इधर जो है ये देखो बारिश हुई ज़रूर, लेकिन
मतलब इतनी खुश की थी धरती में कि पता नहीं लगा, जितनी तगड़ी बारिश हुई ना घर तो पानी भी भर गया था आंगन में सारा एकदम, मतलब इतनी तेज़ बारिश हुई कि उसमें पानी एकदम जा नहीं पाया। और सुबह ही ना चाचा जी किचन गार्डन की तुरई लेके गए थे, बड़ी टेस्टी बनी, बहुत अच्छी लगी। बच्चे तो खाते नहीं, बच्चों को तो दाल वगैरह डाल के उसमें तब खिलानी पड़े लौकी तुरई, लेकिन आज हम सब थे बड़े बड़े, सबने खाई तो बहुत अच्छी लगी। अब थोड़ी सी अपने रूटीन में आ जाते हैं वापस और थोड़ी सी इवनिंग वॉक कर लेते हैं, फिर खाना बनाने का टाइम होगा तो अपने घर चलेंगे। तो जी इधर ना जब मैं घूम रही थी तो मेरी नज़र ना इधर लौकी की जो है बेल पर पड़ी, तो इधर मैंने देखा कि लौकी की बेल पर ना काफ़ी सारे नीर आ रहे हैं। तो जब एक दो एक साथ ही ना कई लौकी उतरेगी, गोल वाली भी और लंबी वाली भी, तीन तरह की लौकी की बेल है यहाँ पे और तीनों पर ना काफ़ी सारे नीर आ रहे हैं। मावन मैंने निकाल दिया, मैं भी इंतज़ार कर रही कि जब तक लौकी आए ना तब फिर लौकी की बर्फ़ी बना कर खिलाओ बच्चों को, बना के क्या सभी मिलकर बनाएंगे। और एक लौकी तो दिखो आ रही गोल वाली, ये तो निगाह से छू की रही, ये देखो ये गया तो हारा, तो इसे तो अभी तोड़ना पड़ेगा वरना ना इससे बड़ी में इनमें बीज आ जाते हैं। तो और एक घर पर रखी, एक दो और हो जाएगी एक दो दिन में, तो अंदर जाके ही देखना पड़ेगा। और तो हो तो रही बहुत सारी लेकिन नज़र नहीं आ रही थी, ये देखो एक ही हो रही, ये भी ठीक हो रही बनाने लायक, इससे बड़ी में पैर इसमें बीज हो जाते हैं। एक दो और देखती हूँ कहीं बेल में नीचे दबरी होगी पत्तों के, और गर्मी इतनी थी ये देखो किस तरीके से सूख गए थे सारी बेल और नीचे। चलो तो चाचा जी से बोलती हूँ कि से ना ये लौकियाँ तोड़ ले, नहीं तो पक जाएगी फिर इनमें बीज हो जाएंगे ना, तो किसी काम की नहीं रहती ना बनाने लायक रहती। और एक घर पर रखी भैया, इन सबको मिला के अच्छी खासी मिठाई बन जाएगी बच्चों के लिए।